देखिए बाखमुट में यूक्रेन का रूस पर बड़ा पलटवार। यूक्रेनी टैंक ने किया रूसी फौज पर अटैक। यूक्रेनी हमले में रूस का हथियार डिपो तबाह। तो लगातार यूक्रेन की तरफ से भी पलटवार किया जा रहा है, यूक्रेन की तरफ से भी बदला लिया जा रहा है। ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। यूक्रेनी टैंक ने रूसी फौज पर अटैक किया। यूक्रेनी हमले में रूस का हथियार डिपो तबाह हो गया। एके सिवा सर, ये जो मनीष बात कह रहे थे कि ड्रोन्स को लेकर काफी पॉलिसीज बदली हैं, मैन्युफैक्चरिंग हो या फिर इंपोर्ट करने की बात हो, लेकिन मेरा सवाल आपसे ये है कि क्या इस पूरे वॉर में यूक्रेन वो देश है जिसने ड्रोन के इम्प्रोवाइजेशन, मोबिलाइजेशन और उसके इफेक्टिव यूज को दिखाया है, डेमोन्स्ट्रेट किया है? क्या आप इसका क्रेडिट यूक्रेन को दे पाएंगे इस वॉर में? देखो, सच्चाई यह है रवि, एक ड्रोन एक बहुत पोटेंट वेपन बन के उभरा है जब से अजरबैजान और आर्मेनिया की लड़ाई हुई है। अजरबैजान की जीत का कारण आर्मेनिया पर था, जो ड्रोन उसको मिले थे टर्की से और इजराइल से। उसके बाद ऐसा लगा कि ड्रोन एक पूरा चेंज कर दिया इसने लड़ाई का तरीका, स्पेशली टैंक्स के अगेंस्ट बहुत ही इफेक्टिव है। छोटे ड्रोन जिसको डिटेक्ट करना भी मुश्किल है क्योंकि सिग्नेचर नहीं देते, रडार भी उसको कैप्चर नहीं कर सकते। इसका फायदा उठाया यूक्रेन ने। यूक्रेन ने बड़े जोरों से इन छोटे छोटे ड्रोनों का इस्तेमाल, जिसको टर्की के ड्रोन भी मिले हैं, स्विच ब्लेड ड्रोन अमेरिका में मिले हैं, और छोटे ड्रोन जो हैं जिस प्रकार से चाइनीज मनीष झा बता रहे थे, उसका भी इस्तेमाल किया। और यूक्रेन के लिए ये सुविधाजनक, मुफीद भी था, लो एक्सपेंस का था। मनीष, जल्दी से एक रिएक्शन मैं आपसे लेना चाहूंगा आगे बढ़ने से पहले, कि ये जो दूसरा इंसिडेंट हुआ है इसको लेकर कैसी चर्चा है रूस में, चाहे वो अधिकारियों की बात करे, सेना की बात करे, आम लोगों की बात करे या फिर रूसी मीडिया की बात करे? अब बिल्कुल काफ़ी अलर्टनेस है। अब कोशिश की जा रही है कि कम से कम मॉस्को सिटी में या क्रेमलिन के आसपास या इस तरह के किसी भी इंपॉर्टेंट ठिकाने तक ड्रोन को ना पहुंचाया जाए। हालांकि अथॉरिटीज़ का कहना यह है कि इस तरह के अटेम्प्ट बहुत बार लगातार हो रहे हैं, पहले की तुलना में इनकी संख्या काफ़ी बड़ी है। बस यही है कि वो कई बार वो 50 किलोमीटर 100 किलोमीटर दूर में ही मार गिराए जाते हैं। एक बात जो समझनी पड़ेगी, कॉम्प्लेक्स सिचुएशन देखिए किस रूप में है, कि बहुत सारे लोगों का ताल्लुक यूक्रेन से है, सबोटाज में उनका इस्तेमाल होता है, उनकी ब्लैकमेलिंग होती है। इसलिए मैंने आपको कहा कि इस सिचुएशन में दरअसल बिल्कुल अलग सी सिचुएशन, समय की कमी है मनीष, समय की कमी है। बहुत बहुत शुक्रिया मनीष आपका, और एके सिवा सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमसे जुड़ने